अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आर्टिकल नंबर 1.3 दैट इज फिजिकल क्वांटिटीज। 1.3 दैट इज फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज तो डियर स्टूडेंट्स, फिजिकल क्वांटिटीज क्या चीज है? हम फिजिकल क्वांटिटीज को किस तरीके से डिफाइन करेंगे? और मैं एक और measurable quantities, quantities are called physical quantities, यानी जो ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं, हम उनको बोल सकते हैं कि वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, मिसाल के तौर पे आज कदम करते हो कि एक पेंसिल है जो आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई है, आप पेंसिल की लेंथ को फाइंड कर सकते हो, पेंसिल की लेंथ को फाइंड कर सकते हो। ठीक है, वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी, यानी लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट, आप बाज़ार जाते हो कोई चीज़ लेने, ठीक है, आप घर से जब निकलते हो, निकलने के दौरान आप क्या काम करते हो, टाइम रख लेते हो, और वापस आने तक आप एक जो टाइम गुजार के आते हो उसको आप क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो कि मैं इतनी देर में बाहर से घर आया। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, टाइम भी हमारे पास क्या है, एक मेजरेबल क्वांटिटी है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, ऐसी क्वांटिटी जिनको हम मेजर कर सकते हैं, उनको हम क्या बोल सकते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटीज है। अगर हम इसकी एग्जांपल को देखना चाहें, एग्जांपल इसकी क्या हो सकती है, लेंथ मास टाइम, यानी मैस कौन सा है, आप क्या करो, किसी भी चीज का मैस फाइंड करने की कोशिश करो। कोई गाड़ी है या कोई भी चीज है, उसका मैस फाइंड करने की कोशिश करो, तो आप मैस फाइंड कर सकते हो। लेंथ मैस टाइम इंटेंसिटी भी आप क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। ठीक है, मेजर कर सकते हो। ठीक है, डेंसिटी यानी मास पर यूनिट वॉल्यूम, जिसका हमारे पास फॉर्मूला था, मास पर यूनिट वॉल्यूम। यानी ये हमारे पास ऐसी और भी बहुत सी क्वांटिटी है जिनको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। सवाल अक्सर ध्यान में आया था, डिफाइन फिजिकल क्वांटिटीज, राइट इट्स एग्जाम्पल। ठीक है, आप कोशिश करो 4-5 एग्जाम्पल दे दो। ठीक है, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, फिजिकल क्वांटिटीज आ जाएगी। लेंथ मास टाइम इंटेंसिटी डेंसिटी, ठीक है, तो ये क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज की डेफिनेशन है। तो डियर स्टूडेंट, फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा कोई प्रॉपर यूनिट। ठीक है, मैग्नीट्यूड और दूसरा कोई प्रॉपर यूनिट। तो डियर स्टूडेंट, यानी फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा प्रॉपर यूनिट। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, आप किसी भी दुकान पे जाते हो, आप उसको क्या काम करोगे, दुकानदार को कहते हो कि हमें मुझे 2 किलो चीनी दे दो। कितनी, 2 किलो चीनी दे दो। तो ये डियर स्टूडेंट जो दो है, ये क्या है, मैग्नीट्यूड। दो क्या है, मैग्नीट्यूड, जो कि न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। दो क्या है, मैग्नीट्यूड, और केजी क्या, किलोग्राम यूनिट। ठीक है, यानी हमें क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, मैग्नीट्यूड और प्रॉपर यूनिट की। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, अगर हम क्या करते हैं कि हम सिर्फ कहते हैं, उसको हम यूनिट नहीं लगाते, ठीक है, हम सिर्फ उसको मैग्नीट्यूड बताते हैं,
कि हमें दो चीनी दे दे, ठीक है, दो चीनी दे दे, जाहिर है कि उस तरीके से हम वाजिया नहीं कर सकते दुकानदार पे कि दो किलोग्राम कह रहे, दो पाव कह रहे या दो मन कह रहे, ये कितने कह रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट हमें प्रॉपर यूनिट की जरूरत होती है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और प्रॉपर यूनिट दोनों की जरूरत होती है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, फिजिकल क्वांटिटीज की कितनी टाइप्स है? फिजिकल क्वांटिटीज की दो टाइप्स है, एक बेस फिजिकल क्वांटिटीज और दूसरा ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज। बेस फिजिकल क्वांटिटीज, बेस फिजिकल क्वांटिटीज और दूसरा ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज। यानी फिजिकल क्वांटिटीज की जो टाइप्स हैं वो कितनी है? दो। वो कौन सी टाइप्स है? दो, बेस फिजिकल क्वांटिटी और ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। बेस फिजिकल क्वांटिटी को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? बेस फिजिकल क्वांटिटी इज सिंपल एंड प्रोमिनेंट इन टर्म्स ऑफ एनदर फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी डिफाइंड स्टूडेंट। ये हमारे पास फिजिकल बेस फिजिकल क्वांटिटीज की डेफिनेशन आ जाती है। बेस फिजिकल क्वांटिटी इज सिंपल एंड प्रोमिनेंट इन टर्म ऑफ व्हिच अदर फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी डिफाइंड, ठीक है। ये हमारे पास बिल्कुल बेस यूनिट्स होती हैं, ठीक है, जिनकी वजह से हम क्या काम करते हैं, दूसरी कोई फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज है, बेस फिजिकल क्वांटिटीज, वो कितनी है? वो सात है, ठीक है। आपकी किताब पे साइड बॉक्स में एक टेबल बना हुआ है, ठीक है, जो कितनी, जो बेस फिजिकल क्वांटिटीज का टेबल बना हुआ है, ठीक है। उसमें हमारे पास लेंथ, मास, टाइम, इंटेंसिटी, उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स जोन सा, इसी तरीके से डियर स्टूडेंट सात जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको हम लिख लेते हैं इधर, वो कौन सी है। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट आपकी किताब की जो तरतीब दी गई है उसके मुताबिक हम लिखते हैं। उसके बाद टेम्परेचर, टेम्परेचर उसके बाद आता है इंटेंसिटी, छठी है इंटेंसिटी, और जो सातवीं है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सात बेस फिजिकल क्वांटिटीज हैं, और कितने? सात बेस फिजिकल क्वांटिटीज, यानी लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, लेंथ का क्या यूनिट होगा? लेंथ का यूनिट होगा मीटर। क्या होगा? मीटर। आप
किसी भी चीज की लेंथ फाइंड करते हैं, ठीक है, यानी मीटर रूल के जरिए या किसी भी और चीज फीते के जरिए किसी भी चीज की लेंथ फाइंड करते हैं, तो आप कहते हैं कि ये इतने मीटर है, ठीक है, यानी वो लेंथ आपने फाइंड किया है, लेंथ कितनी है उसका लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट मैस का यूनिट क्या होगा, किलोग्राम। मैस का यूनिट क्या होगा, किलोग्राम। और जो टाइम है, टाइम का यूनिट क्या होगा, सेकंड। टाइम का यूनिट क्या होगा, सेकंड। और इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है एम्पेयर। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या है, एम्पेयर, ठीक है जी। और टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या यूनिट है, केल्विन, केल्विन। और इंटेंसिटी का यूनिट क्या है, कंडेला, ठीक है, इंटेंसिटी का यूनिट क्या है, कंडेला। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट क्या है, मोल। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट क्या है, मोल, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने ये सात जो बेस फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो यूनिट समेत पढ़ी हैं, ठीक है। हम इससे पहले डेफिनेशन देखी, उससे पहले हमने फिजिकल क्वांटिटीज देखी कि वो क्या होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से अब हमने ये सात फिजिकल को बेस फिजिकल क्वांटिटीज देखेंगे, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। डियर स्टूडेंट्स, ये आगे जाके हर लेवल पे, ठीक है, जिधर भी आप जाएंगे, मेडिकल में जाते हैं, इंजीनियरिंग में जाते हैं या किसी और सब्जेक्ट में जाते हैं, ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, बेस फिजिकल क्वांटिटी, ये सात बेस यूनिट्स हैं, आगे जाके लाजमी तौर पर यूज होंगे। अब 1960 में पेरिस में एक मीटिंग हुई, मीटिंग में उन्होंने डिसाइड किया कि ये जो सात बेस फिजिकल यूनिट्स हैं, ठीक है, ये जो सात बेस क्वांटिटीज हैं, ठीक है, इन्हें इनको मुतय्यन किया और साथ इनका क्या किया, यूनिट बताया कि ये पूरी दुनिया में इनके ये यूनिट चलेंगे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा बेस फिजिकल क्वांटिटीज का आर्टिकल था। इसके बाद जो फिजिकल क्वांटिटीज की जो दूसरी किस्म है वो क्या है, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज। ड्राइव को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, बहुत आसान है, ठीक है। ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज, इसको हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, द फिजिकल क्वांटिटीज क्वांटिटीज ऑब्टेन्ड, हासिल होती हैं बाय मल्टीप्लाइंग आर डिवाइडिंग वन बेस क्वांटिटी, वन बेस क्वांटिटी टू एन अदर बेस क्वांटिटी, बेस क्वांटिटी। तो डियर स्टूडेंट, ये ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन, द फिजिकल क्वांटिटीज ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग आर डिवाइडिंग टू बेस फिजिकल क्वांटिटीज, यानी हमारे पास दो बेस फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास कौन सी आ जाएगी, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज, कौन सी आ जाएगी, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। यानी मिसाल के तौर पर स्पीड, स्पीड का क्या फॉर्मूला है, स्पीड का हमारे पास जो फॉर्मूला है, स्पीड डिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, डिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, डिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, स्पीड का हमारे पास ये फॉर्मूला है, ये भी हमारे पास, इसका भी यूनिट मीटर है और इसका भी यूनिट क्या है, मीटर। डिस्टेंस का भी यूनिट मीटर है और जो लेंथ हमारे पास, इसका भी यूनिट क्या है, मीटर, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या काम किया, हमने देखा कि हमने दो फिजिकल, दो बेस फिजिकल क्वांटिटीज को
हमने आपस में जब डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी आ गई जिसको हमने क्या बोला, स्पीड। ठीक है, यानी इन दोनों को हम क्या काम करेंगे, आपस में डिवाइड करेंगे बेस फिजिकल क्वांटिटीज को या मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डेड राइट फिजिकल क्वांटिटीज आ जाएगी। इसी तरीके से अगर हम एक और एग्जांपल लें एरिया की, एरिया का फॉर्मूला लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, लेंथ विड्थ हाइट, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये भी हमें क्या की और है, इसका भी यूनिट मीटर है, इसका भी यूनिट मीटर है और इसका भी यूनिट है मीटर है। ठीक है, यानी लास्ट जो हमने स्पीड में देखा था, दो जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो आपस में डिवाइड हो रही है, जो बेस फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो आपस में डिवाइड हो रही है, जबकि एरिया में तुम्हारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं ये क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो हमने डायरेक्ट क्वांटिटीज की डेफिनेशन यही पढ़ी थी कि जब हम क्या काम करेंगे, आपस में दो फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइंड मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटीज बन जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आर्टिकल आज का, बेस फिजिकल क्वांटिटी डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटीज और फिजिकल क्वांट फिजिकल डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट इसकी जो आगे नेक्स्ट आर्टिकल है उसमें भी उसने ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स वो यही बता रहा है कि जो सात जो हमारे पास बेस यूनिट्स हैं उनके बारे में बता रहे हैं कि जब पेरिस में 1960 में एक मीटिंग हुई, ठीक है, उस मीटिंग में उन्होंने एक पैमाना रखा जिस जो क्या जो एक यूनिट्स हैं, ठीक है, या कोई भी क्वांटिटी है उसके जो यूनिट्स उन्होंने मुतय्यन किए, मुतय्यन करने के बाद वही जो यूनिट्स हैं वो पूरी दुनिया में यूज हुए। तो ये हमारा आर्टिकल था फिजिकल क्वांटिटीज। अल्लाह हाफिज़।